तो और भाई लोग, क्या हाल है यार। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फार्मेसी के सेमेस्टर एग्जाम्स के बारे में, किन किन चीज़ों का ध्यान रखकर आप सेमेस्टर एग्जाम्स को बहुत आसानी से पास कर सकते हो। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है जो इस साल फर्स्ट सेमेस्टर में है या फर्स्ट ईयर में है, और उन लोग के पेपर जो होने वाले मार्च में या फेब लास्ट तक होने वाले, तो उन लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो वो लोग ये वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स के लिए। जैसा कि आप सबको पता होगा, जिन जिन लोगों ने इस बार फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है फार्मेसी में, उन लोगों को पता होगा कि जो PCI का नया रूल है, उन लोगों ने एक नया रूल इंप्लीमेंट किया है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने, कि अगर आपकी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर, मतलब फर्स्ट ईयर में कोई भी बैक होती है, वो सेकंड ईयर के दोनों पेपर देने के, दोनों सेमेस्टर के पेपर देने के बाद जब आप थर्ड ईयर में जाते हो, तो उससे पहले आपकी फर्स्ट ईयर की बैक क्लियर होनी चाहिए। अगर आपकी थर्ड ईयर में जाने से पहले बैक नहीं क्लियर है फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में जो भी बैक है, तो आप थर्ड ईयर में नहीं प्रमोट होते हो, आपकी YB लगा दी जाती है, मतलब ईयर बैक लगा दी जाती है। तो उन स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा डर लगता है, इसी वजह से यह वीडियो मैं बना रहा हूं। तो वो लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, और मैं बात करूंगा टिप्स एंड ट्रिक्स की, और किस हिसाब से आप अपनी पढ़ाई करो, क्या क्या करो, मतलब कितनी आसानी से आप पासिंग मार्क्स ला सकते हो, क्योंकि पासिंग मार्क्स भी है जो फार्मेसी में, वो 50% है, 30% एक्सटर्नल, मतलब सॉरी 30 नंबर एक्सटर्नल और 20 नंबर इंटरनल के होते हैं। दोनों को मिलाकर आप 50% या 50 नंबर लाते हो तो आप पास हो जाते हो। तो सबसे पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो आपके सिलेबस के बारे में आपको पता होना चाहिए। जो आपके एक सब्जेक्ट में 5 यूनिट होती है, तो 5 यूनिट में क्या क्या कंटेंट दे रखे हैं, क्या क्या कंटेंट हैं, वो आपको पता होने चाहिए, और आपके उन चीज़ों की प्रॉपर नोट्स होनी चाहिए। अब जिन लोगों के पास प्रॉपर नोट्स नहीं है, उसके बारे में हम इस वीडियो के लास्ट में बात करेंगे, बट आपको जरूरी है कि उन चीज़ों के नोट्स हो। अगर आपके पास नोट्स नहीं है, तो आप अपने टीचर से बोलो आपको वो कोई बुक रिफर करें, आप उस बुक से पढ़ के उसकी नोट्स बनाओ। आप 2-3 साल के पेपर उठाओ और उनको मैच करो, मतलब प्रीवियस पास्ट के जो पेपर को गो थ्रू करो, मतलब 10 साल के पिछले 10 साल के फार्मेसी के पेपर कहीं से फोटोकॉपी निकलवाओ और उनको मैच करो, और उसमें देखो कि हर साल कौन से क्वेश्चन वैरी करते हैं और पिछले 10 साल में कौन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया हो जाएगा कि किस हिसाब से यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यूनिवर्सिटी पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, और आपको कौन कौन सी चीज़ों को ज़्यादा ध्यान से पढ़ना होगा। जैसे कि अगर आप बात कर लें एनालिसिस में पिछले कुछ सालों से फजांस रूल, टाइप्स ऑफ एरर और टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये सारे क्वेश्चन फ्रीक्वेंट क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं, मतलब हर साल पूछ ही लिए जाते हैं कहीं ना कहीं 2 नंबर में, 3 नंबर में या 5 नंबर में या 7 नंबर में। तो ऐसे आपको आइडिया हो जाएगा, हर सब्जेक्ट के अगर आप 10 साल के क्वेश्चन देखोगे तो आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाएगा। और जो सबसे बड़ी बात होती है, आपका 60-70% जो पेपर होता है वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही बना हुआ होता है, बट थोड़ा सा इम्प्रोवाइज करा हुआ होता है, मतलब डायरेक्टली आपको सेम क्वेश्चन नहीं देगा, बट आपको वही क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है। तो अगर आप 50% पेपर भी सॉल्व कर लेते हो ना, तो आपके पास होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, और आपको आइडिया हो जाता है कि पेपर में किस हिसाब से क्वेश्चंस आने वाले हैं। और आपकी खुद की पढ़ाई के साथ साथ आपके कॉलेज में आपके टीचर की नज़र में आपकी इमेज कैसी है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है इंटरनल मार्क्स के लिए, क्योंकि उनके हाथ में 25 नंबर होते हैं। अगर 25 में अगर आपको 20 नंबर मिल जाते हैं, तो आपको थ्योरी में, मतलब एक्सटर्नल पेपर में जो आपको यूनिवर्सिटी में जाके देना होता है, उसमें आपको सिर्फ 30 नंबर लाने रह जाते हैं। तो अगर उसके लिए आपके कॉलेज में जो सेशनल्स करवाए जाएंगे, आप प्लीज़ एक भी सेशनल मिस ना करें, बाकी चाहे आपको कुछ आता हो या ना आता हो, आप हर सेशनल में प्रेजेंट रहें, अपना 100%। ये वीडियो जितनी भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मैं उनसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करूंगा और उनको एक एडवाइस देना चाहूंगा कि आप कोई भी सेशनल या कोई भी कॉलेज के द्वारा या आपके टीचर के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई कोई भी एक्टिविटी आप मिस ना करें, उससे आपको आपके इंटरनल मार्क्स में बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। अगर आपके हर सब्जेक्ट में 20 नंबर हैं, तो आपको सिर्फ 30 नंबर स्कोर करने होते हैं, उससे ज़्यादा स्कोर करोगे तो आपकी मेरिट अच्छी बनेगी, बट अगर आप सिर्फ पासिंग मार्क्स के लिए देख रहे हो, तो आपको इंटरनल में 20 मार्क्स और थ्योरी में 30 मार्क्स, अगर इधर इंटरनल में आपको कम होते हैं, तो उधर आपका थ्योरी में लाने का बर्डन बढ़ जाता है। तो इसी वजह से आपकी कॉलेज की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं आपकी फार्मेसी ब्रांच में, आपके कॉलेज में, तो आप कोई भी सेशनल ना छोड़ें, कोई भी यूनिट टेस्ट ना छोड़ें, या कोई भी एक्टिविटी ऑर्गेनाइज कराई गई है आपके टीचर के थ्रू, तो उसे मिस ना करें, और कोई भी लैब ना मिस करें आप अपनी। इन ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी चीज़ें लगेंगी, बट बाद में जब आपको ये एक या दो नंबर कम पड़ते हैं लास्ट में ना, अगर आपके मान लीजिए थ्योरी में 29 नंबर हैं और इधर आपके प्रैक्टिकल में सिर्फ 18 या 19 नंबर हैं, तो एक दो नंबर आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ें साबित होती हैं। तो इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करें और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन उठाएं, फिर उस हिसाब से अपनी पढ़ाई करें। और कोई भी दिक्कत होती है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो,
कोई भी फार्मेसी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है, आप मुझे बेझिझक इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। और अब बात करते हैं कि आपको थ्योरी या इंटरनल एक्सटर्नल एग्जाम में कैसे लिखना है। तो सबसे पहली बात, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। कोई भी चीज़ हो जो आपको अच्छे से आती हो, आप उसको पॉइंट वाइज प्रेजेंट करें। सबसे ज़्यादा मैटर करती है आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आपकी प्रेजेंटेशन। आप आंसर को कैसे प्रेजेंट करते हो, तो जैसा कि अगर आप पॉइंट वाइज लिखते हो तो एग्जामिनर को उसे चेक करने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। तो जितना ही आपकी अट्रैक्टिव प्रेजेंटेशन होगी चार्ट में बनाकर या पॉइंट वाइज लिखकर, तो उतने ही अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। और प्लीज़ कहानी ज़्यादा कम से कम लिखें, कहानी बिल्कुल ना लिखें मेरे हिसाब से। तो जितना आपका एक्सट्रैक्ट कंटेंट होगा ना वही लिखें। आपको कुछ नहीं आता है पेपर में, मतलब कोई भी क्वेश्चन छोड़े ना, क्योंकि निगेटिव मार्किंग होती नहीं यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो आपको मतलब जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसको भी अटैम्प्ट कर लें, बट उसी क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी लिख दें, तो हो सकता है आपको जो मतलब अगर आप छोड़ दोगे वो क्वेश्चन तो बिल्कुल भी नंबर नहीं मिलेंगे, बट अटैम्प्ट करके कुछ भी लिख दोगे। अब ऐसा नहीं है कि आप एनालिसिस के पेपर में एचएपी की चीज़ें लिखा है, एनालिसिस के पेपर में अगर आप एनालिसिस की चीज़ें लिख के आओगे उसी क्वेश्चन से रिलेटेड, बट वो चीज़ें उस क्वेश्चन में नहीं पूछी गई, तो हो सकता है आपको कुछ नंबर दे दिए जाएँ। तो ये चीज़ें वर्क करती हैं जब आपको कुछ नहीं आता, बट आपको और जो सबसे बड़ा मिथ होता है कि कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं, तो कॉपी भरने से नंबर मिलते हैं बट आपकी प्रेजेंटेशन उतनी अच्छी होनी चाहिए और आपने कंटेंट प्रोवाइड कराया है उतना अच्छा, मतलब जो चीज़ पूछी गई है अगर वो आप वो सारी चीज़ें आप उतने कम कंटेंट में भी प्रेजेंट कर सकते हो तो आपको बिल्कुल नंबर मिलेंगे। एकदम एक्सट्रैक्ट चीज़ें अगर आप लिखते हो, टू द पॉइंट चीज़ें लिखते हो, भले ही आप पेज नहीं भर रहे हो फिर भी आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे जो लोग पेज भर के जितना नंबर ला रहे हैं। तो ये एक मिथ है कि पेज भरने से भी ज़्यादा नंबर मिलते हैं। अगर आप कम लिख रहे हो, अच्छा लिख रहे हो, जो टू द पॉइंट लिख रहे हो, तो भी आपको उतने ही नंबर मिलेंगे जितने नंबर का क्वेश्चन है। तो ये बात अपने दिमाग से निकाल दीजिए। जो चीज़ें दो नंबर की है, अगर आप उसमें चार चार लाइन पाँच पाँच लाइन लिखोगे तो क्या ही एग्जामिनर सोच के आपको नंबर देगा, दो ही नंबर तो देगा। दो नंबर के क्वेश्चन में अगर आप पाँच लाइन दस लाइन लिख दोगे तो दो नंबर से ज़्यादा थोड़ी ना मिल जाएगा, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आप अपना टाइम मैनेज करें और अच्छे से करें और अच्छी तैयारी करके अच्छे से पेपर दें। और जिन जिन सब्जेक्ट में डायग्राम्स की नीड होती है, जैसे एचएपी हो गया, कहीं कहीं इनऑर्गेनिक में, एनालिसिस में और सोटिक्स में भी आप बता सकते हो, डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो, नीट एंड क्लीन और लेबल डायग्राम होंगे तो आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको ऐसे ही फार्मेसी से रिलेटेड वीडियो चाहिए हो तो कमेंट में बताएं और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप इंस्टाग्राम पर कभी भी आकर पूछ सकते हो।